ये किसी के मीडिया में बोलने से तो कुछ होना नहीं है। कांग्रेस का आला कमान जो केंद्रीय नेतृत्व है वहां से तय होता है। कुछ लोग इस तरह का बयान दे करके मीडिया की सुर्खियों में रहना चाहते हैं। तेजस्वी यादव जी की स्वीकारिता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। नमस्कार, न्यूज 111 में आपका स्वागत है। मैं हूँ पूजा वर्मा। बिहार में एक लोकसभा और 5 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। इस उपचुनाव को आगामी विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इसमें विपक्षी महागठबंधन में दो फार दिख रहे हैं। कांग्रेस ने 5 में से 3 विधानसभा सीटों पर दाव ठोक दिया है, तो राष्ट्रीय जनता दल 4 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। विधानसभा की 5 सीटों पर उपचुनाव में सभी दल अभी से जुट गए हैं। विपक्षी महागठबंधन की बात करें तो कांग्रेस ने अभी से ही 3 सीटों पर दाव ठोक दिया है। कांग्रेस नेता सदानंद सिंह ने कहा है कि पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने को लेकर गंभीर है। उन्होंने 5 विधानसभा सीटों में से सिमरी, बख्तियारपुर, नाथनगर और किशनगंज पर अपना दाव किया है। साथ ही समस्तीपुर की लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस ने दावा किया है। 4 विस सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में आरजेडी दूसरी और आरजेडी 4 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आरजेडी ने कांग्रेस को साफ लहजे में कह दिया है कि वह अपनी औकात में रहे। पार्टी के विधायक विजय प्रकाश ने बिहार में आरजेडी को बड़ी पार्टी बताते हुए बड़ी दावेदारी की बात कही है। उन्होंने कहा कि बिहार के नेताओं के दावों का कोई मतलब नहीं, सब कुछ दिल्ली में आरजेडी के बड़े नेताओं से बात कर सोनिया गांधी तय करेंगे। स्पष्ट है कि बिहार में उपचुनाव को लेकर महागठबंधन में दरार सतह पर है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों को लेकर इस तानातानी के मद्देनजर आगामी विधानसभा चुनाव में महाभारत को तय माना जा रहा है। बिहार में कांग्रेस ने ठान लिया है कि वह महागठबंधन में पिछलग्गू बनकर नहीं रहेगी, तो आरजेडी बड़े भाई की भूमिका को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आरजेडी पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा पहले से ही कर चुकी है। वहीं आपको बता दें कि उपचुनाव से पहले सीटों को लेकर भी आनाकानी पार्टियों के बीच शुरू हो गई है। देखना ये होगा कि आगे उपचुनाव से पहले पार्टियों के बीच किस तरीके की हलचल दिखती है। फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसे खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। न्यूज 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।